basket. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम नहा के तैयार हो गए हैं मस्त, और विहान भी नहा के तैयार हो गया। अभी ब्रेकफास्ट चल रहा है विहान का, मूली के परांठे, और हम भी परांठे खा के फिर चलते हैं, आपसे रास्ते में मिलेंगे। वानु और विहान भी हो गए तैयार। वानु चले, शिबू भैया को भी बुला लेते हैं, है ना? शिबू भैया आने वाला है ना? शिबू भैया, आप और दोनों हम चलते हैं अभी, ठीक है? ब्रेकफास्ट कर लिया आपने? हाँ। चलो चलते हैं। शिबू भैया आ गए हैं, हैं? चले मान्या, चलो भाई। सोनिया, शिबू का वेट कर रहे थे बहुत देर से। हाँ चलो चलते हैं, आज आज घूमते हैं पूरा दिन, ठीक है भाई? आज ठीक है, आज घूमने जाएंगे, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, कहीं ना मजे करेंगे आज। हाँ, अब देखते हैं कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम। हम आ गए हैं, अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, चलो भाई शिबू, चलने चलो। चलो पहले तो प्लान है कि कहाँ जाने का। अब निकले हैं तो कहीं तो जाएंगे। पहले चलते हैं इंडिया गेट, उसके बाद चलेंगे गुड़गांव जू पर, रेलवे म्यूजियम भी देख लेंगे, उसके बाद गुड़गांव में जू पर में जाएंगे। हाँ। शाम को लेट हो जाएंगे शायद, हम वहाँ जाते आते ना गुड़गांव में। चलो देखते हैं, हम 12 बजे तो हम निकल रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या कितना टाइम लगता है वहाँ पे, ट्रैफिक व्राफिक भी देखते हैं। वैसे कोशिश करेंगे आज ही हम गुड़गांव भी चले जाएं और वहाँ भी मस्ती करेंगे। वहाँ पे तो एक घंटे का ही है ऊपर में, ज़्यादा कुछ है नहीं। चलो मिलते हैं आपसे। आज पूरा दिन हम ना ट्रैवल करेंगे खाली, बस है भाई, क्योंकि हमें जाना है पहले इंडिया गेट, उसके बाद चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी से गुड़गांव। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई नहीं, घर से तो निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पे घर से निकलते ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि भाई शनिवार है तो कम ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। हाँ मैं वानु, हेलो। तो दोस्तों आज तो पोपट हो गया, आज हम इंडिया गेट में आ गए थे, और इंडिया गेट पे तो पूरा ही कंस्ट्रक्शन चल रही है इनका काम, और कहीं से भी एंट्री नहीं मिल पा रही है, हमें एंट्री बंद है। तो अंदर मैंने जाके देखा था, तो वहाँ पे बहुत मतलब पूरी कंस्ट्रक्शन की हुई है, पूरा खोदा हुआ है, और फिर अंदर जाने की परमिशन भी नहीं है, क्योंकि अंदर जाके करेंगे भी क्या। तो अभी हम चलते हैं रेल म्यूजियम को ट्राई करते हैं, रेल म्यूजियम पास में है, अभी 6-7 किलोमीटर ही है, तो वहाँ से ट्राई करते हैं। अब यहाँ तो देखते, उसके बाद चलेंगे हम गुड़गांव जूपर में। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं, राष्ट्रपति भवन, मिनिस्ट्री ऑफ होम, यहाँ पे अलाउड नहीं है जाना, आज थोड़ा सा मना कर रहे हैं, बट लेकिन थोड़ी अप्रोच लगा के हस्बैंड के थ्रू चला है काम हमारा। वो देखो, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री है, और जो है वो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी दिखाएंगे अभी आपको। यहाँ देख रहे हो पार्लियामेंट कहाँ है? यस, वो बोली ठीक
हाँ मालूम है? देखो हम घूमते घूमते कहाँ आ गए हैं, ये राष्ट्रपति भवन हमारे पीछे, ये पार्लियामेंट हो गया और अब हम ये राजपथ में घूम रहे हैं। यहाँ पे आज कुछ चक्कर है मेरे से, यहाँ पे आज एंट्री आगे तक नहीं है राष्ट्रपति भवन तक, नहीं तो हम आगे तक भी आपको दिखाते। राजपथ पे कंस्ट्रक्शन, ये रोड बना रहे हैं ये 26 जनवरी के चक्कर में, इसलिए सब कुछ बंद किया हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हो सामने राष्ट्रपति भवन, मिनिस्ट्री ऑफ होम। क्या ठंड लग रही है? देखो तेरे को भी ठंड लग रही है मानिया, ठंडी लग रही है। हाँ भाई हम पहुंच गए हैं रेल म्यूजियम में। अरे वान्या जॉय टिकट अभी चल रहे हैं ना अंदर, चलो भाई। दोस्तों हम आ गए हैं रेल म्यूजियम पे, अब यहाँ पे थोड़ा बैठ के फिर हम चलेंगे गुड़गांव ज़ू पर। रानू क्या हुआ? देख के बयान वो बंद कर रखा है वहां से ना ऐसी, यहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ भाई, यहीं है खड़े होने का। हम जा रहे हैं भादुगढ़। हम जा रहे हैं भादुगढ़। कहीं और चलते हैं भादुगढ़ तो वैसे ही चले जाते हैं। ट्रेन चला रहा भाई? हाँ। चलाएगी तू भी ट्रेन? कहाँ जाएगी ट्रेन चला? वाला सीन ही है, ईडीएमजे वाला, ईडीएमजे वाला। ये देखिए पेट पूजा हो रही है थोड़ी थोड़ी। ये तो भी लंच टाइम। वान्या क्या पी रहे हो आप? रोटी? और शिवो या ये रे। हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज हम ट्रेन में बैठ गए। ठीक है
नेशनल म्यूजियम रेल म्यूजियम में एंट्री कर रहे हैं। ये स्टीम रॉकेट है, स्टीम रॉकेट स्टीम इंजन। रेल म्यूजियम में हम देख रहे हैं पुरानी पुरानी रेल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दी। सबसे पहले ये था गांधी जी के साथ जितने भी लोग हैं वो सारे हैं, ये घर है गांधी की सेना। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी स्टीम इंजन गांधी की सेना है, ये भी स्टीम इंजन गांधी के टाइम की दिए। वानू स्वतंत्रता आंदोलन में रेल का योगदान। पटरी चेंज करते कैसे करते हैं पटरी चेंज? हाँ ऐसे उधर जानी हो तो ऐसे। हाँ ये है कि देख इधर कर देगा तो ट्रेन इधर जाएगी, उस साइड कर देगा तो ट्रेन उधर उधर से जाएगी। मानो बस बेटा घर लेके जाएगी वो ले सिग्नल है। रेल म्यूजियम से हम निकल रहे हैं और आप चले गए अब सीधा गुड़गांव। हमने स्नैक्स और तो ले लिए थे, हॉट डॉग पैटी। तो अब गुड़गांव के रास्ते में देखते हैं, वहाँ पे भी टाइम लगेगा, एक डेढ़ घंटा तो पहुँचने में भी लगेगा। और मुझे जबरदस्ती लेके आए हैं। और आदमी घर पे भी क्या करती है, मेरे आगे बार बार गोलगप्पे आए जा रहे हैं, मैं क्या करूँ। मतलब गोलगप्पे खा ले कर किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं, हमारी अंतरात्मा तो जानती है ना। चलो गुड़गांव के लिए जल्दी जल्दी रवाना होते हैं, मिलते हैं आपसे। हम निकल गए हैं वहाँ से, अब गुड़गांव में बस एंट्री करने वाले हैं। और ये दिखा रहा है, आधा घंटा दिखा रहा है वहाँ पे सुपर का टेम्पोरिन पार्क। आधे हाँ घंटे पहुँचने के बाद फिर देखते हैं वहाँ पे जाके, क्योंकि हमें पता नहीं, हम तो पहली बार जा रहे हैं। और आपको भी दिखाएंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे कि जगह अच्छी होगी तो आप ही विजिट कर सकते हो। चलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। मस्ती कर रहे हैं देख बच्चे। वानू परेशान कर रही है। वानू को आप कर रहे हो परेशान भैया। अभी देखना, देखो। अभी यार थोड़ा टाइम लगेगा, 25 मिनट और। वानु अब आ गए ऊपर। हाँ भाई हाँ तो मजा आएगा ध्यान ऊपर एंट्री। हाँ भाई टेम्पोलिन पार्क में आ गए हम। बाहर आ जाओ।
यहाँ पे एंजॉय करते हुए बड़ा मजा आ रहा है। ओए ओए नीचे से ही जाना है, नीचे से, नीचे से ही, नीचे नीचे से करते रहो।
वाकई में जंपिंग कर करके मजे आ गए ना भाई साहब है टीपू, आज तो ज़्यादा ही मजे आ गया जंप करके ना, बिल्कुल ऐसे हो गए कि अभी भी खड़े खड़े ऐसा लग रहा है कि जंप ही हो रहे हैं भाई जा रहे हैं। हाँ बढ़िया एक्सपीरियंस था, यहाँ पे अच्छा लगा, नई चीज़ थी, फिर कभी भी आएंगे। हम वहाँ से निकल गए हैं लेकिन आज तो अल्टीमेट मजा आया जंप कर करके, है बिहान पूरी तसल्ली होगी होगी, एक एक घंटा सबने जंप करी है, अल्टीमेट से भी अल्टीमेट मजा सुपर अल्टीमेट। तो अब लग रही है भूख, किस किस को भूख लग रही है? मेरे को, मुझे। चलो कुछ खाते हैं, आप हैं भी कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया है तो हम खाएंगे पाव भाजी, ठीक है भाई, भानु भी पाव भाजी खाएंगे। तो दोस्तों हम तो यहाँ पे गुड़गांव में जाम में फंस गए और ऐसी हो गई है, ये तो सारे सो गए हैं, ये देखो और जाम में, देखते कब तक निकलेंगे, एक डेढ़ घंटा बता रहा है घर तक पहुँचने में। दोस्तों हम पहुँच गए हैं गुड़गांव से 9:30 बजे रात को, और बाकी काफ़ी थकान हो गई है, थक गए हैं, अब जल्दी सोएंगे, आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी, बाय बाय।